नाज़रीन जो काफ़ी टाइम का पो असा पंजे ब्लॉगिंग जो कातो शुरू करना थी अज असा जो गजफाट रोड का कुछ तारीख़ मकामात जिनकी अज असा रिकॉर्डिंग करना थी उनकी जान अवा के दींदा थी काफ़ी टाइम का पो आज मेयर शहर उन जे मदाफाती इलाका जिनमें तारीख़ी कुछ मकामात तारीख़ी शख्सियतूँ आन उन हिसाब से अज असि विजिट कदी जैमें मुझे दोस्त पिण मूसा गड हों जी जो मालूमत होंगी वहाँ तीन पहुँचाई हिंसर सुबह जो सवेर जो मंदिर आंदर हाईवे से मौजूद आया जो कराची ए लाड़काना रोड आ उन बीठो आया हिंसर अस अगत हली जै लोकेशन अवसर नाजरीन इन वक्त अस बीठा लौंग तुंजे में दरगाह जो तो साई हाल वो मौजूद है साई का अस उन तारीख़ी थोड़ी जान है वह वी तो साई कड़ी सदी में पा आया उनको जो दरसगाह पो मेलो कदें कदें साई लगन है यो सही थोड़ा बयान कर दरसगाह कड़े सदी में यानी अज का केतरा सौ साल अग जो तो ये दरसगाह रही है या कुछ जान है तकरीबन असे थी चुकी है जी जी अच्छा अच्छा सत्तर साल थी चुको है अच्छा जो सालियानो उर्स शरीफ लगन वो रबियल सानी में लगन जी जी रबियल अच्छा कितना कितना का मानू पो इते इंदा है कराची का वचन था मानू अच्छा हां मो त ढाका का वचन था मानू बांग्लादेश हां 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 हिंदुस्तान वारन जो रास्तो आए उनन बिटरो ली उते उर्स कयो आए साईं जी मुरीदी खा अच्छा माना साईं जे के मुरीद बांग्लादेश हिंदुस्तान में माना वडे तादाद में आए हां हिंदुस्तान में जा है कराची सजी फैमिली समेत इते आया हो अच्छा यानी वक्तन ब वक्तन वे बाहर मानु अगर उन के कदे मौके मिले तो पो इते माने अचन था अचन था हां जर्मनी वारो आए तो आयो हुयो जी जी थोड़ो अग में जी महीना थीला जी वरी वयो वरी इंदो आ सियारे में अच्छा हर साल में इंदो आ अच्छा अच्छा यानी उनन के जने भरी बांग्लादेश हो जे हिंदुस्तान हो जे या कराची या पंजाब जा मानु जने उनके मुरीदन के टाइम मिलंदो आ त यानी ते زیارت जरूरी जी जी हाडो सठो सई डाडो सठो शरीक थिया फैमिली कर पिना कराची वाला अच्छा बचे फैमिलन समेत हाँ। के पची अच्छा मेलो से घणा नी हलंदो आ मेलो सही बडी हाले सुटरे बडी हलंदो आ यो सही 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 मेहरबानी सही मेहरबानी नाज़रीन हन वक्त सा पतायु साईं हाल वारो उन जी दरगाह लौंग तुंजे में उन सा गडो गड ही मस्जिद शरीफ आ है मस्जिद शरीफ सा गड ई साईं हाल वारो उन जी ही मज़ार ये वड़ा वड़ा मीनार उन सा गड असा ज़ियारत कंदासी साईं हाल वारो उन जी दरगाह जी अंदर लौंग तुंजे में साईं हाल वारो जंहिंजा मुरीद तमाम परे परे खां यानि पाकिस्तान में जंहिंमें कराची हैदराबाद पंजाब उन अलावा बाहरी दुनिया यानि बांग्लादेश हिंदुस्तान उतना पिण जर्मनी उतना पिण मुरीद साई वट जिन दरगाह से इंदा आन रबियल सानी में टे ढी इत उर्स शरीफ लगन है जिते पिण तमाम वे तादाद में पाकिस्तान में कराची हैदराबाद पंजाब में मानू उ इत साई हाल वो ये लौंग तुंजो तालको मेहड़ ज़िलो दादू सिंध उन मज़ार जो अस वक्त उन दरगाह अवान के अस ही दिखर रहा हूँ ये तमाम मकबरो खूबसूरत चित्रकारी खूबसूरत उन रंग शीशे जो कम माशाल्लाह तमाम बेहतरीन थल ए साईं हाल वारो
उन जी ये तुर्बत है साईंवारा 19वीं सदी में तमाम बड़ा खुदा या बरगदा आलम मुअज्जम पाक थी गुजरया जी साईंवारन जा ढाका बांग्लादेश इंडिया मुंबई दिल्ली कराची पंजाब में तमाम घना बुरी दान उते इंदा बन साईंवारन जारी जो है लॉन्ग दुनिया में पांजो जारी मिस्कन बनायो दस्तबियत साईंजन जो है साईं पीर मिठावरन में थया हकीमन जा उस्ताद हुआ तमाम वा वा हुकमा दो साईं जा शागिर्द हुआ साईं वट जिस्मानी रूहानी जो मरीज इंदा उ शफायाब थी पा हाल वारा हुआ जिनो दिल जो हाल हों समझी वा हुआ वा कामल बंद अल्लाह जब लुगो अल्लाह के अल्लाह के रसूल की तंद तवा हूँ पा शेर सफर घो कौ सदी में समझे रहा ये दरगाह साईं हालवारो लोंग तुंजो तालको मेहड़ ज़िले दादू सिंध में ये वाक़ इन सा गडो गड खूबसूरत तमाम बेहतरीन मस्जिद जी पिण अलावत इतने थल है मस्जिद जो पिण अंदर जो अवां के असा ही नज़ारो कराईंदासी साईं हालवारो दरगाह उन सा गडो गड ये मस्जिद जा अंदर मंज़र तमाम खूबसूरती शीशे जी अकासिया सा यह मस्जिद जो जो गुंबज मस्जिद जो मेहराब ये ठहल है तमाम बेहतरीन कम थल है मस्जिद में मस्जिद जे बिल्कुल लगो लग ई साईं हालवारो उन जी तुर्बत इन गुंबज में अंदर है तमाम वो हाल बाहर सहन अंगण ही अहातो तमाम वही तादाद में उर्स शरीफ में जडे इतने उर्स लग वे तादाद में बाहर मू जे इतना उन सुठा इंतजाम क्या वा ही लौंग तुझे में ये दरगाह दरगाह से गड़ो गड ही कुछ मकामी मानुन पिण इतने आरामी आहन मकामी मान जो इतने तुर्बतों जिते लेट अब्दुल हमीद अब्दुल मजीद खान तुंजो सनाफ लेट शमसुद्दीन खान तुंजो डेट ऑफ बर्थ 4/12/1946 डेट ऑफ डेथ है 29/7/2021 रवे शेफ जहा बुजुर्ग आलम ही जो है साईं खैरी शरीफ रहमत वा जो बुजुर्ग हैं नवाब शाह उन्होंने वो पढ़िया हुआ उतम दस्तबियत हासिल कई बाद में 1720 का ही दरगाह जो है शुरू है 1740-1780
उनखा पो 1800 जी ईस्वी में जो उरूज है जी मेल तड़के में ब वड माना दरसगाह हुई एक पेरो शाह वरी ओला के पास वो रहो शरीफ कच्छ के पास पेरो शाह तमाम वड्य दरसगाह ही रन जिथा इन शागिर्द तुम मशहूर शागिर्द साई अलामा गुलाम उमर सोने जितो रम तल जिथा ब दरगाह तमाम वड्य निकत दरसगाह निकत साई मशहूरी शरीफ वो साई बो बकर शरीफ वो साई तीन वडा वडा उलमा बुजुर्ग पाठ शरीफ वन तमाम घना मरासम रहा ख्यारी शरीफ वन बुजुर्ग सा तमाम घो इन तलकात रहा उन अलावा हालन वा बुजुर्ग उन साई वन तमाम घना वेझा तलकात रहा साई हि रेलो शरीफ है जो तारीखी मकाम है इतने वडा वडा आलम मुदबर पैदा थे सिंध में तेजो न कें उस्ताद वे का वो आलम इन रेलो शरीफ में पढ़ो जरूर होंद ये रलो शरीफ मेड़ शहर के भरसा ही है जो लौंगतुनी के भरसा वा वा आलिम मुदपुर साई ममन साले वा साई अब्दुल्ला वा साई गुलाम उमर वा साई उस्मान वा 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 उलमा इतने पैदा थे जी लेखक कातब खुदा जहा वली बुजुर्ग हुआ जिनजा माना तमाम घना सिंध में मेड़ शहर में मेड़ ताके में उन शागिर्द वा आलिम मुदीर आन रलो शरीफ जी बुजुर्ग वा वा दीनदार वड़ा इल्म वारा मानू इते आरामी हैं असा रड़ो शरीफ में अंदर मस्जिद के पासे में ही जी दरसगाह रही है दरसगाह में जिन उन टाइम जे अरड़ी सदी ईस्वी में इल्म तलीम के जो वो उजागर किया इलाके में ओलह डां मेहर तलके के ओलह डां काछे डां उ अज इत आरामी हैं हि उन गडो गडी मस्जिद है जी मस्जिद पिण काफ़ी जबून हालत में है रड़ो शरीफ दरगाह रड़ो शरीफ जे भरसा ये मस्जिद जो हि नज़ारो अवे इन जो ये नज़ारो करूँ पा रड़ो शरीफ दरगाह जो तालका मेहड़ जिले दादू में वाक़ है जो तमाम वही दरसगाह रही है गुजरियल 18वीं सदी में 18वीं 19वीं सदी में तमाम वही दरगाह रही है जिता वा वा अकाबर वगड़ा वा काबिल इंसान जिन तलीमी खिदमतू जो दिन हि रड़ो शरीफ जी ये मस्जिद है जिसा गडो गड़ उ बुजुर्ग आलम उ आरामी हैं।